के हाईवे पे जलाराम मंदिर के बगल में शांति कॉम्प्लेक्स के फर्स्ट फ्लोर पे एक बिल्डर है गिरिराज सिंह, हिम्मत सिंह जाडेजा, उसकी ऑफिस में एक फायरिंग की घटना बनी थी। कंट्रोल रूम को जैसे ही इस बात का पता चला, इंस्पेक्टर वापी टाउन, DYSP वापी डिवीज़न, क्राइम ब्रांच जैसे की पूरी टीम वहाँ पर पहुँच गई थी और जो फायरिंग करने वाला शख्स है गिरिराज सिंह, हिम्मत सिंह जाडेजा, वो और उसके साथ जो पिस्टल थी उसकी लाइव राउंड के साथ, वो हमने कब्जे कर लिया है। इस पूरी मैटर में जो पूछताछ हमने करी है उसमें ये ध्यान पे आया है कि एक शिव शक्ति डेवलपर्स जो है, अलग अलग पार्टनर से 10 लोग, उन्होंने इस गिरिराज सिंह से एक ज़मीन खरीदी थी और उस ज़मीन के पेमेंट करने के बाद जब इन्होंने इस ज़मीन की जो सेल डीड करनी होती, बेचान दस जब करने की बात आई, तब उनको पता चला कि उनकी जानकारी के बगैर, शिव शक्ति डेवलपर्स की जानकारी के बगैर, गिरिराज सिंह ने बैंक ऑफ बड़ौदा की एक लोन 2.5 CR की लोन का बोझा जो है, डेट है, वो ज़मीन पर डलवा दी थी और इसी वजह से ये ज़मीन जो थी वो शिव शक्ति डेवलपर्स के नाम नहीं हो रही थी। और इसी के चलते काफ़ी टाइम से शिव शक्ति डेवलपर्स गिरिराज सिंह को बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि ये ज़मीन के ऊपर जो आपने डेट या बोझा जो डाला है उसको हटवा लीजिए। और आज उसी के बात करने के लिए सारे जो डेवलपर्स है, शिव शक्ति डेवलपर्स के भागीदार, साथ में उसे मिलने गए थे और उसका काफ़ी टाइम तक वेट करने के बाद जब गिरिराज सिंह को लगा कि ये डेवलपर्स आज मेरे ऑफिस से जाने वाले नहीं है, तो अचानक से जो छुपा हुआ था बाथरूम में से, वहाँ से निकल के उसने 3 राउंड फायरिंग किए, 2 राउंड फायरिंग किया और 1 राउंड मिस फायर हुआ था। और वहाँ पे जो मौजूद थे सभी लोगों ने ये देखा हुआ है। और इस केस में गिरिराज सिंह, हिम्मत सिंह जाडेजा के खिलाफ अटेम्प्ट टू मर्डर और आर्म्स एक्ट की कलमों के मुताबिक गुनाह दाखिल करने की कार्रवाई अभी वापी टाउन पुलिस स्टेशन में शुरू कर दी गई है। और उसी बनाव के टाइम पे जो लोग भी हाजिर थे उन सब भी शख्सों को यहाँ पे बुला लिया गया है और आगे की लीगल कार्रवाई चालू है। ये जो डेवलपर्स है वो अलग अलग जगह से आए थे, कुछ वलसाड के भी रहने वाले हैं, कुछ सूरत के भी रहने वाले हैं। सभी डेवलपर्स इस बंदे के साथ ये साटाखत करवाया हुआ था पहले और दस्तावेज की बात पिछले 4 साल से थी, तब ये टाइटल क्लियर ज़मीन थी, इसीलिए इन्होंने इस ज़मीन को खरीदने की कार्यवाही करी थी। और जब ज़मीन खरीदने के बाद दस्तावेज करके एंट्री कराने की बात आई, तब गिरिराज सिंह ने बिना जानकारी के इस ज़मीन के ऊपर 2.5 करोड़ की लोन लेके ज़मीन को विवादित कर दिया था। और इसी के चलते काफ़ी 10 महीने से ये लोग गिरिराज सिंह के पीछे पड़े हुए थे, क्योंकि गिरिराज सिंह ने गलत किया था। इसलिए सर इसके ऊपर और भी गुनाह कोई साबित? गिरिराज सिंह, हिम्मत सिंह जाडेजा के खिलाफ पहले भी एक रेप केस दाखिल हुआ था। इस केस में जब जो हमें ताज़ा जानकारी मिली उसके मुताबिक उस केस में उसका कोर्ट में से एक्विटल हो गया है।